हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सबके सब पर। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में फोटो एडिटिंग का लेसन नंबर 3 है। इसमें देखेंगे किसी फोटो को, किसी इमेज को मूनलाइट इफेक्ट में कैसे बदला जाता है। जैसे कि मैंने इस इमेज को अभी चेंज किया हुआ है, आप देखिए, मैं बदल कर दिखाता हूँ। अभी पहले इमेज मेरी ये ऐसी थी, इसको हमने मूनलाइट इफेक्ट यानी कि रात वाली कैसी तस्वीर होती है मैंने वैसे बनाने की कोशिश किया है, तो ये बनाने के बाद ऐसा हुआ है। तो ये इमेज कैसे हमने बनाया इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी से मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप लोगों को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। कमेंट करें, पूछें, आप बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए और मैं बताने के लिए रेडी हूँ आप सभी के लिए। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बैकग्राउंड की एक कॉपी बना लें आप। इसकी एक कॉपी हमने बना लिया। उसके बाद इस लाइट, जो इस इमेज पे लाइट पड़ रही है, इस लाइट को पहले आप कम करें। कम करने का तरीका ये होता है कि आप या तो आप एडजस्टमेंट पे आ जाएं, यहाँ पे आप लाइट पे आ जाएं, यहाँ पे आपको ह्यू एंड सेचुरेशन, कलर बैलेंस, ब्लैक एंड वाइट, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन आपको यहाँ पे आना है लेवल में। इस लेवल को आप कम करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये एक अलग लेयर ओपन हो जाएगा। इस लेयर पे आप लेवल को ठीक करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं इससे यहाँ से लेवल कम कर रहा हूँ। कम इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे जो इफेक्ट देना है वो रात वाली इफेक्ट देना है। तो जब रात की सीन बनानी है आपको, तो अल्टीमेटली आपको पता है कि मूनलाइट जो होती है वो सनलाइट से काफ़ी कम होती है, तो सनलाइट वाली इफेक्ट आनी चाहिए। यहाँ से हमने लेवल को ठीक कर दिया। अब लेवल को ठीक कर लेने के बाद जो दूसरा काम हमारा है वो ये है कि इसी इमेज पे रहते हुए आपको ह्यू एंड सेचुरेशन को भी ठीक करना है। आप एडजस्टमेंट पे आ जाएं और इसके बाद ह्यू एंड सेचुरेशन पे क्लिक करें। इसको क्लिक कर लेने के बाद जो काम है वो ये है कि यहाँ से आप कलराइज को सबसे पहले आप चेक करें। कलराइज को चेक कर लिया। चेक कर लेने के बाद यहाँ पे लाइटनेस पे कम करना है। लाइटनेस आप कोशिश करें कि -40 के आसपास, 40-60 के आसपास रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सेचुरेशन, सेचुरेशन इस इमेज पे खासतौर से मैंने सेचुरेशन 75 के आसपास रखा, ठीक है। उसके बाद जो ह्यू को रखना है वो 192-200 के बीच में रखना है। 190 हमने क्लियर कर दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ का काम अभी ख़त्म हुआ है, लेकिन इस इमेज पे थोड़ा सा काम बाकी है। फ्रेंड्स, ये वाली जो इमेज देख रहे हैं या ये वाली जो देख रहे हैं, इन सभी को आप क्या करें, इन सभी की कंट्रोल जी करके एक कॉपी, एक ग्रुप में बना दें। अब उसके बाद कंट्रोल जे करके इस ग्रुप की एक कॉपी बनाएं और इस ग्रुप के यहाँ पे आप चेंज कर दें सॉफ्ट लाइट में। इस सॉफ्ट लाइट में मैं चेंज कर रहा हूँ, सॉफ्ट लाइट में इस ग्रुप को चेंज कर दिया। और इसकी ओपेसिटी को आप कोशिश करें कि 50-60 के अराउंड रहे। अब इस इमेज को आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट एकदम रात वाली, आप फुल करके मैं दिखा रहा हूँ आप सभी को। ये देखिए, ये इमेज ऐसी लग रही है जैसे रात की एक अच्छी सी मून लाइट में खींची गई ये तस्वीर है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कोई भी इमेज को रात वाले इफेक्ट में बदल सकते हैं। तो ये ट्यूटोरियल अगर आप लोगों को सचमुच में समझ में आया, अच्छा लगा, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल सबके सबको इस रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारा ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स से शेयर ज़रूर करें, लाइक कर लें मेरे इस ट्यूटोरियल को फ्रेंड्स। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फोटो एडिटिंग से रिलेटेड कुछ और चीज़ें सीखेंगे। ये हमारा कंप्लीट पैकेज चल रहा है फोटो एडिटिंग, तो अभी कंटिन्यूअस ये फोटो एडिटिंग चलता रहा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।